आज की स्टोरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके हम कैसे अपना काम निकाल सकते हैं, राइट। और तो कोई बुक है, मैं उसको पढ़ रही हूँ बाय द वे आपके साथ ही, सो दैट वी कैन पढ़ाई करते रहेंगे एंड उसके फ्रेमवर्क भी बनाते रहेंगे। आपके लिए डन है? ओके। तो आज आज तो आपको कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये है इसका लेखा जोखा। तो ये कहते हैं, दिस इज इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में पढ़ाई करूंगी मैं, और आपको कहीं पे क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। बट मेरे दिमाग में भी कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको पूछूंगी, एंड देन कन्वर्सेशन के थ्रू आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये जो बुक है, दिस बुक इज अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। रुकिए, कॉपीराइट 30 लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। तो जैसे ही हम पढ़ेंगे, हम प्रैक्टिकली एक्सरसाइज भी करेंगे। तो किस बात के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करोगे? क्या ऐसा नहीं हो रहा है जो आप यूज करोगे? बाय द वे, आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो एबंडेंस पे होता है। दिमाग में अगर आपका भरा हुआ है कि आपको आपका है ऑलरेडी डन है, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जल्दी काम करता है, मतलब वो उसी सिचुएशन में ही काम करता है। तो दिस इज रिटन बाय लुईस स्टेपले और लेट अस स्टार्ट। तो कॉपीराइट और ये सब उन्होंने बोला हुआ है, लेट अस गो टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट सेटिंग होता है। लेट अस सी कि उन्होंने क्या बोला। द ह्यूमन रेस हैज बीन ब्लेस्ड विद ए परफेक्ट लॉ, ए लॉ दैट हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म एनीवन्स लाइफ फॉर द बेटर, नो मैटर हाउ बैड इट करेंटली इज। दिस लॉ कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली स्टेट्स दैट द लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एंड व्हाट वी थिंक अबाउट वी ब्रिंग अबाउट। तो दिमाग में आपका जो चलते रहता है ना, वो वही मैनिफेस्ट होता है। तो अगर आपके लाइफ में अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, डेफिनेटली पक्के से आप वही उसी के बारे में सोच रहे हो। वो इस ये लॉ का एक्सेप्शन कुछ भी नहीं होता, राइट। क्योंकि आप उसी उसी वाइब्रेशन में चल रहे हो, दुखी हो तो वही होगा। आप एक्चुअली एंटिसिपेट ही कर रहे हो कि फर्दर दुख आपके लाइफ में आ रहा है, आ गया है या फिर आने वाला है, राइट। तो आप अगर ऐसा है, अगर आपके सोचने से ही ये सब हो रहा है, तो क्या आप नहीं चाहोगे कि आप कुछ अच्छा सोचो? तो वही अच्छा होगा। तो उसमें क्या होता है कि खाली वो जो थॉट है ना, वो सुपरफिशियल होने से नहीं होता है, उसको फील करना पड़ता है अगर आपके दिल से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ऑफिस में कितना घपला होता है, आपके किस किस के साथ झगड़े हैं, राइट। झगड़े हैं तो फिर और वो आपको गुस्सा दिला रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि वो एक्चुअली आप उनको उनके पार एट पार समझ रहे हैं, राइट। एट पार समझ रहे हैं, क्या आपको एट पार समझना चाहिए? अगर वो गलत कर रहे हैं कुछ, कहीं पे अगर कुछ गलत कर रहे हैं तभी तो आपको गुस्सा आ रहा है, राइट। और आप बहुत बिगड़े हुए हो, कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप चाहोगे कि वो गलत नहीं कर पाए आपको, राइट। डोंट यू थिंक सो? आपको ऐसा नहीं लगता कि आप वो गलत नहीं कर पाए? तो लेकिन आप कर गए हो उसके लिए। आप अगर गुस्सा हो आप उनको बल दे रहे हो, इसलिए आप यू आर एम्पावरिंग देम कि भाई आप गलत कर रहे हो, एंड देन तो आप क्या कर रहे हो, यू आर एक्चुअली मल्टीप्लाइंग योर ओन, आप अपने ही परेशानी बढ़ा रहे हो, राइट। तो अभी क्या है कि और तो आप उनको माफ कर दो,
हो सकता है राइट मार्क्स पर। तो एक्चुअली ये मार्क्स का भी मैं आपको बताऊं, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट वो सोच ला पाना कि मैं मार्क्स करूंगी उसको, वो डिफिकल्ट है। मार्क्स करना डिफिकल्ट नहीं। तो मैं अभी बोल रही हूँ आप मार्क्स कर करिए। सो लेट अस कंटिन्यू। फॉर सम दिस कॉन्सेप्ट इज इजी टू ग्रास्प एंड प्रैक्टिस, बट फॉर अदर्स इट इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट। सही बात है, जैसे मैंने कहा किसी के लिए बहुत ही इजी है तो किसी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। आई फॉल इन टू द लेटर कैटेगरी ऑल्दो नॉट सो मच एनी मोर। पहले सबको डिफिकल्ट लगता है लेकिन धीरे धीरे वो अच्छा वो होते चला जाता। आई डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन 2007 व्हेन माय लाइफ कुडंट गेट एनी वर्स। इट वाज ट्रूली अ ब्लेसिंग फॉर मी। बहुत ही गंदा चल रहा होता है टाइम, तो कभी पास्ट में गंदा चलता हूँ राइट। और सॉरी फॉर दैट। One that I eternally grateful for, but it wasn't smooth sailing and certainly didn't happen overnight. ये कभी भी overnight नहीं होता, लेकिन कुछ practice अगर आप कुछ कोशिश करते हो, जैसे bike सीखना होता है, ये क्या overnight होता है? लेकिन कौन सा point है जब आप सीख जाते हो? वो point है जब आप threshold पे होते हो, वो एक point जहाँ पे आपको control आ जाता है and आप can start, right? वो एक्चुअली बहुत प्रैक्टिस करने के बाद एक कहीं पॉइंट पे ट्विक हो जाता है एंड देन यू आर ऑन राइट। एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस इट हैज बीन 6 years सिंस आई फर्स्ट रेड अबाउट दिस पावरफुल लॉ। ड्यूरिंग 5 of those years आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजन्स ऑफ टाइम बट नेवर परसिस्टेड विद इट। आई ऑलवेज कंपेयर इट टू विटामिन्स एंड द जीन। I have at least 8 nearly full bottles of different vitamins in the cupboard, all started but never finished. And I have wasted countless expensive gym memberships, paying a ridiculous monthly fee to go twice, maybe 3 times. My initial law of attraction journey was no different. I'd buy a fancy journal, another one, write out one goal. Write out my goals, do some visualizing when I had time, say affirmations when I remembered to, and so on. ये सबके साथ होता है ना, कब मर्जी आया आपने गोल लिख लिए, affirmation लिख दिए, मन आया तो कर लिए, नहीं आया नहीं किए राइट। सबके साथ होता है राइट, सबके साथ होता है। ये आपके साथ ही खाली नहीं होता है, मेरे साथ होता है, उसके साथ होता है, उसके साथ होता है। लेकिन जिन लोगों ने परसिस्ट किया इसके साथ, उन लोगों के साथ होते ही होता है राइट। आई गेट बोर्ड और बिजी एंड वुड स्टॉप फ्रस्ट्रेटिंगली दिस कैरेड ऑन फॉर 5 years। मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी बताऊँ कि आप में भरोसा कैसे आए कि जो प्रोसेस आप कर रहे हो वो एक्चुअली में काम कर रहे, कैसे आप सोच सकते हो गए। अभी कल ही एक बात हुई कि मैंने अपने गार्डन में ना एक एंजल को सेट किया। आप सोच रहे होंगे ये एंजल सेट करना क्या होता है, इसमें से बिग थिंग मैं बता रही हूँ, दिस इज नॉट ए बिग थिंग। मैंने क्या किया, वो बॉटल जो हाफ काटे हुए थे ना, उसको एक के ऊपर एक, बड़े के ऊपर एक छोटा सा रख दिया, उसको एक अपना जो पोछा है ना, उस पोछा से उसको कवर कर दिया दोनों तरफ से, और एक मेरा एक इयरिंग हेयर वाला, उसमें से एक इयरिंग खो गया था तो बाकी एक बचा था, उसको मैंने उसके ये जैसे यहाँ पे रहता है ना वो वैसे उसी की तरह टांग दिया, तो वो कुछ एक बहू जैसे शक्ल में आ गया, जैसे देवी बोल सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ये चलो ये इसको हम यहाँ रखते हैं, तो हल्की सी हवा चली एंड फूक गई। तो फिर मैंने उसको फिर से सजाया राइट। अब मैंने उसको एक नाम दिया, उसका नाम कालीसी रखा, कालीसी, और उसको रख दिया।
यू नो आज सुबह जो जब बहुत जोर की बारिश और आंधी चल रही थी, उसमें भी वो नहीं गई, वो जो मैंने रखा हुआ था। यू नो व्हेन आई नो नेम, मैंने जब उसको एक नाम ही दे दिया, बस नाम भर ही दिया, देयर वाज एन वाइब्रेशन, मेरे से एक वाइब्रेशन जाके उसमें उसमें बस गए। तो इट वाज लाइक आवाहन, जब हम आवाहन करते हैं ना, तो कोई मंत्र से करते हैं, इलाबोरेट मंत्र नहीं होता है, मेरा इलाबोरेट मंत्र तो नहीं था। तो इट वाज जस्ट आई वाज नेमिंग हरे काली, एंड बहुत फीलिंग के साथ किया कि अभी तुम मेरे गार्डन की रखवाली करोगे। उतने में आवाहन हो गया एंड आई वाज सो सरप्राइज। आज सुबह आंधी जब चली थी तो मैंने सोचा कि फिर से गिर गई होगी, फिर से गिरा हुआ होगा बहुत सारा स्नेह, बट इट वाज नॉट। वो जहाँ जहाँ की वहां बैठी, मुझे तो काफी सरप्राइजिंग लगा। आपको कैसा लगा ये? सो इट इज लाइक दैट, आप इतने छोटे से भी, छोटा सा अगर बिलीफ है तो भी उससे होता है, लेकिन आपको कोई एग्जाम्पल चाहिए होता है, कोई इंस्टेंस चाहिए होता है, राइट? तो आप ना कहीं पे भी देखो सुनो, अगर आप असाइन करोगे कि ये होने से मुझे बिलीफ होने लगेगा, देन अगर वो हो गया तो आपको बिलीफ होना चाहिए, राइट? आप कोई भी चीज गारंटी के साथ आप पहले से कर कर चुके हैं ये या नहीं, कोई मायने नहीं रखता। आप अभी करो करो एंड देखो देखो कि ये होता है कि नहीं होता, राइट? तो फिर से पढ़ते हैं, मुझे शायद कोई और स्टोरी याद आ जाए, फिर मैं आपको बताऊं, राइट? व्हाइल आई मैनेज टू मूव सर्टेन एरियाज ऑफ माय लाइफ टुवर्ड्स फॉरवर्ड इन पॉजिटिव वेज, देर आर स्टिल सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ दैट मेड मी सो अनहैप्पी। एट द एंड ऑफ 2012 आई डिसाइडेड एनफ वॉज एनफ, आई वॉज गोइंग टू मास्टर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वन एंड फॉर ऑल। देखिए मैंने जब देखा ना, फिर एक स्टोरी याद आई, मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, एक्चुअली मैंने एक फनल देखा था उल्टा वाला, वो नाम मैं भूल रही हूँ किसी का, मैं हमेशा ही उनका नाम भूल जाती हूँ, वो फनल जिसका था, आप वो जॉय वाला फनल देख लो, वाइब्रेशन वाला फनल देख लो, गूगल करके आ जाएगा। तो उसमें क्या है, 540 जब वाइब्रेशन आपका चढ़ता है, देन यू आर यूनिसन, यू आर एट पार एट द यूनिसन विथ यूनिवर्सल का वाइब्रेशन है, यूनिवर्स का जो वाइब्रेशन है उसके साथ, जैसे ही आप उसके साथ मैच करते हो, आपके जो विशेष हैं वो होने लगते हैं। तो क्या चाहिए आपको, खुश होना चाहिए। तो जैसे ही खुश होना है, मैंने सोचा कि इसके लिए तो यूनिवर्सिटी डिग्री लगती नहीं, खुश होने के लिए क्या लगता है, यूनिवर्सिटी डिग्री अगर नहीं लगता है तो क्या लगता है, कुछ भी नहीं लगता। लेकिन क्या हम खुश हैं, कितने टाइम हम खुश रह पाते, राइट? वही बात। सो लेट अस सी कि हम कैसे खुश रहे, क्योंकि पहला अध्याय इसका हमेशा ही खुश हो, भले ही इस किताब में जो भी लिखा, राइट? एंड आई डेफिनेटली हैड ऑल द नेसेसरी टूल्स एट माय डिस्पोजल, जितने भी टूल्स हैं आजकल तो सबको मिलते हैं, राइट? इफ यू आर एनीथिंग लाइक मी, आई एम श्योर सम ऑफ यू रीडिंग दिस विल बी एबल टू ओपन अप योर ओन वेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइक दिस। आई हैव 3 dozen बुक्स on the subject, 8 movies and countless series. I have read, watched and listened to them all several times over. While the majority of my collection is fantastic and it has provided me with a great understanding of the law, I always felt it lacked a practical knowledge base. Practical knowledge base ko sab to bahut der se milte hai. I have so many wonderful books telling me how amazing and miraculous the law of attraction is, and while I agree with them all, very few are dedicated to providing information on practical ways to manifest your desire. I am the type of person who needs direction. I like to have a specific task to complete in order to get me from A to B. As a result, I am a
success was how to. I would love to be fabulously creative and come up with my own ideas and ways to practice the law of attraction, but unfortunately, that just isn't me. I need that. For this reason, I decided to collect all the exercises I had learned and read about over the years into one document. Having this information in one place gave me the encouragement and focus I needed to practice the law of attraction. What has happened in my life over the last 12 months as a result of practicing these exercises consistently is nothing short of a miracle. But the best thing is I created the miracle. जब हो जाता है तो हमको लगता है कि मिरेकल तो हमने क्रिएट किया है, राइट? इफ आई हैड यूज्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इयर्स अगो, लाइक आई हैव इन द लास्ट 12 मंथ्स, आई वुड हैव अवॉइडेड अ लॉट ऑफ अनहैप्पीनेस एंड अपसेट. हाउएवर, आई ट्रूली बिलीव दैट लाइफ इज नॉट अबाउट पास्ट रिग्रेट, इट इज अबाउट लुकिंग फॉरवर्ड. फॉर दोज ऑफ यू हु आर स्टिल अनहैप्पी विद सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, आई अर्ज यू टू प्रैक्टिस दिस magnificent law once and for all. Be consistent with it. Make a promise to yourself that you will give it a proper go. What have you got to lose? So यहाँ पे रहने दे ये स्टोरी को, क्योंकि एक्सरसाइज और मैं वेट करूंगी कि कल इन्होंने अपना स्टोरी दिया, आपका आपकी भी कोई स्टोरी हो, राइट? क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके मन में नहीं आता और सबके रिलेवेंस में भी नहीं आता और सब सब कोई नहीं सोचते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वो है जिसके लिए हमको जिसके थ्रू हमको काम आएगा, राइट? तो क्या हुआ आपके लाइफ जिससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह अट्रैक्ट हुए? तो हम पढ़ेंगे कल वो जो स्टोरी, ये राइटर की भी स्टोरी, राइट? तो कल पढ़ेंगे एंड तब तक आप याद करके रखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कौन सी स्टोरी आपकी है, राइट? थैंक यू एंड वेलकम एंड आई वेट फॉर योर कमेंट एंड कमेंट बॉक्स. ठीक है.